यहाँ पे जैसे जैसे गोरी डांस करती है वैसे वैसे सेम डांस करती है ये छुट्टी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की शुरुआत चाय के साथ, चाय की प्याली के साथ। तो शाम के बज चुके हैं 5:30 और मैं जस्ट अभी आई हूँ जिम से, और जिम से आते ही कर रही हूँ अपना व्लॉग स्टार्ट, क्योंकि वही है यार, आलस आ रहा था, मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। और जैसे कि आप सबको पता है कल से है माता रानी के नवरात्रे, तो गाइस कुछ मेरा मूड ऑफ था क्योंकि हमने जाना था आज वृंदावन। गुड्डू बीमार होगी किसी कारणों से, हमारा वृंदावन हो गया जाना कैंसिल। अब देखो कब आता है कान्हा जी का बुलावा। और मेरा कुछ ये भी था कि नवरात्रे हैं, क्योंकि आपको पता है मैं हर बार मंदिर से जाती हूँ और इस बार मेरा रह जाता मंदिर, तो फिर मुझे ये था कि नवरात्रों के बाद ही कंच के बिठा के देखते हैं जब बुलावा आए, तो तब तक नवरात्रों की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। तो आज है काफी बड़ी सोमवती मस्या भी है, तो इसलिए मैं कल ही सारा कुछ, मतलब माता रानी की चुनरी श्रृंगार का सब सामान ले आई थी। और बड़ी ही प्यारी गाइस इस बार माता रानी की चुनरी लाई हूँ, और शाम को जैसे लड़ियां वगैरह मतलब मंदिर में लगाएंगे तो वो भी आप सबको दिखाऊंगी। गाइस चाय पी के मैं जाऊंगी मंदिर, और आप सबको पता है कि आज काफी बड़ी सोमवती मस्या भी है। और बाकी मंदिर मैं डेली जाती हूँ, हमारे घर के बिल्कुल पास में एक मंदिर है जहाँ पे मैं रोज जाके मतलब शाम को जोत कर आती हूँ और धूप वगैरह करके शिवलिंग पे डेली जल चढ़ा के आती हूँ। तो आज सोमवार भी है और सोमवती मस्या भी है, तो सोचा मंदिर जाऊं और उससे पहले पहले व्लॉग स्टार्ट कर लूं और आप सबको भी शिवजी जी के दर्शन करवाऊं। दिन सोमवार का और ऊपर से सोमवती मस्या है ना, तो शिवलिंग पे मतलब कच्चा दूध मैंने मंगवाया इनसे, आगे तो मैं जल चढ़ा के आती हूँ क्योंकि आज सोमवार, इसलिए कच्चा दूध वगैरह चढ़ाएंगे और आप सबको भी दिखाएंगे, दर्शन करवाएंगे। वैसे तो मैं डेली जाती हूँ बट कभी मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बट सोचा आज आप सबको भी दर्शन करवाए जाए क्योंकि फिर मैं घर आके जो जा रही है चाय के साथ बूंदी भुजिया। किस किस को बूंदी भुजिया पसंद है मुझे कमेंट करके बताना, मेरे को तो ना बड़ी स्वाद लगती है मतलब बूंदी और भुजिया मिक्स करके। पहले क्या होता था, जागरण होता था ना, कहीं जाना होता था, हम स्पेशली बैठते थे 2 बजे तक कि बूंदी और भुजिया का प्रसाद खा के ही जाएंगे। तो यहाँ पे बूंदी भुजिया साथ मैंने चाय पी है, और यहाँ पे बैठी है गौरी जो की हर 4 दिन के बाद हो जाती है बीमार, और अब फिर बीमार है, क्या बात। अभी थोड़े दिन पहले एडमिट थी और गाइस अभी भी इसकी फीवर मतलब वायरल हो रखा है, और सच्ची बताऊं तो इसके कारण हमारा जाना भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये होगी बीमार और ना स्कूल जा पा रही ना भी फिर इसका एडमिशन करवाया। हाँ सब कुछ पेंडिंग पड़ा, थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद एडमिशन करवा के क्लासेस रेगुलर करते हैं, उसके बाद हाँ उसके बाद बीच में देखते हैं जाने का प्लान बनाते हैं। और हमारे लड्डू जी बैठे हैं बाहर, मैं चाय पी लूं और फिर आपको लड्डू जी के भी दर्शन करवाते हैं। हंसी आ जाती है व्लॉग देख के, है ना। क्यों हंसी है, आम बात है, रोज बनाते हैं। क्या कर रहे हो, दूध और निकालो, शिवलिंग पे चढ़ाना है, इतना सा दूध थोड़ी डलेगा। आप कोई काम करती नहीं, सारे काम मुझे लगा देती है। गाइस देख रहे हो ना आप, कोई काम नहीं करती घर पे, ये सारा काम मैं ही करती हूँ, सबको पता है, इतना झूठ मत बोला करो। दूध तो मेरे से बोलू, उसके अंदर पड़ा है, किसने कहा था उबालने के लिए, खराब हो गया, गर्मी है। हाँ गर्मी है, पहले मंदिर चलते है ना। और गाइस ये बैठे हमारे लड्डू जी, ये भी देखो बूंदी भुजिया खा रहे हैं, ये बैठे आराम से। और ये मेरी माता रानी, बाकी जो माता रानी का श्रृंगार का सामान, चुनरी, और जो मंदिर पे लाइट्स लगाऊंगी मैं, ये आपको मैं रात को दिखाऊंगी सारी लाइट्स। लड़ियां भी लेके आनी है मंदिर में लगाने के लिए। और गाइस टाइम देखो, मतलब 6:00 हो गए हैं, और धूप देखो कितना ज्यादा, अभी भी धूप हो रखी है। अभी मन था इस बार सारे नवरात्र रखने का, सोच रही हूँ, कंफ्यूजन हो रखा है क्योंकि मैं लेती हूँ दवाई और नवरात्रों के अंदर दवाई नहीं लेते, तो देखते हैं अब कैसे, या फिर लास्ट की जोड़ी ही रखूंगी मैं। पहले तो मैं सारे रख लिया करती नवरात्रे, अब बस सारा दिन काम होता है, जिम होता है, तो यही डर रहता है कि गलती से मुंह में कुछ डल ना जाए, मतलब कुछ खाया ना जाए। बाकी पहले ना अपन ने जाना है, बस उबले दो मिनट में, इसको बाद में उबाल लेना। उबल गया, उबल गया। और ये सुबह ताजे फूल मैंने रखे थे, ये देखो गुलाब के, गेंदे के, सारे मंदिर लेके जाने के लिए। सो गाइज हम मंदिर पहुंच चुके हैं, और ये मंदिर पहुंचते ही पहले लाइट ऑन कर रहे हैं, और फिर क्योंकि डेली ना एक मन को सुकून सा मिलता है यहाँ आके जोत वगैरह करने से, इसलिए मैं डेली यहाँ पे थोड़ी देर आ जाती हूँ। सोचा आज आप सबको भी हनुमान जी के दर्शन करवाए जाएँ और शिव भोले के भी दर्शन करवाए जाएँ। और ये बस अब लाइट वगैरह ऑन कर रहे हैं,
जल लेके आई हूँ मैं सगाई शिवलिंग के दर्शन कर लो सभी। सोमवती मस्या भी है बहुत बड़ी और सोमवार भी है। डूबियाँ लगा देना धीरे शिवलिंग पे है और ये हमारे शिव भोले के दर्शन कर लो। हाँ जल पी ले। साइड में ओके, साइड में ओके। सो गाइस मंदिर से मैं पूजा करके आ गई हूँ, अब जाऊंगी गौशाला और उसके बाद मंदिर के लिए लड़ियां भी लेके आऊंगी सारा दिन। और मैंने और गौरी ने गाइस सेम सूट सिलवाया है, वो भी उठा के लाना है, आपको दिखाऊंगी। और हां जी नहीं दिखाएंगे कमेंट करके बताना कि कौन सा कलर मम्मा का फेवरेट कौन सा कलर है। जय जय राधे 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 गुड्डू राधे राधे। अरे यहाँ पे जैसे जैसे गोरी डांस करती है वैसे वैसे सेम डांस करती है ये छुटकी। देखो वो रोएगी तो ये रोएगी, वो गिर जाएगी तो ये भी गिर जाएगी। वो देखो बच्चों का अपना ही अलग चलता रहता ना खेलना कूदना। और ये हमारे लड्डू जी बैठे, ये सारा सामान मैं लेके जाती हूँ घर से जोत के लिए और सारा रखती हूँ फिर गौशाला जाऊंगी। सो गाइस गौशाला से मैं आ गई थी और आते ही बस गुड्डू को हो गया फिर से बुखार इतनी तेज, क्योंकि वायरल फीवर है। वायरल फीवर जैसे 5-6 घंटे दवाई का असर रहता है और जैसे दवाई का असर उतरता है इसको दोबारा से बुखार हो जाता है। तो अभी मेडिसिन दी है और अभी इतनी वॉमिट करी है इसने, मतलब ना पता नहीं ये गाइस ये इतनी ज्यादा बीमार रहती है ना। 5-6 दिन सही टपते हैं फिर बीमार, 5-6 दिन सही टपते हैं फिर बीमार। हम तो खुद डॉक्टरों के पास चक्कर काट काट के थक चुके हैं और बस इसलिए रोटी से खाई नहीं जा रही। मैंने रखी यहाँ पे मूंग की दाल डाल के चावल डाल के इसके लिए खिचड़ी, और सुबह मैंने इनके लिए बनाया था ये पेठे की सब्जी और मेरे लिए मैंने बनाई थी आलू शिमला मिर्च। अब मेरे को तो इतनी भूख है नहीं, फिर मैंने कहा चलो हल्की खिचड़ी बना देते हैं, लड्डू जी को भी भोग लग जाएगा और गोरी भी खा लेगी। अभी भी स्टीम के अंदर ही है खिचड़ी। यहाँ पे लड्डू जी भी बस कपड़े चेंज करके बैठ चुके हैं, ये बैठे हुए नाइट सूट डाल रखा है इन्होंने। सो गाइज यहाँ पे लग रही है मंदिर की लाइट्स, क्योंकि लाइट्स तो वैसे बहुत लगी हुई हैं बट ना मुझे बड़ा शौक है अपने मंदिर में लाइट्स लगवाने का, तो मैंने कहा एक बार चल लगवा लेते हैं फिर थोड़े दिन तक मैं अपने मंदिर का सारा नक्शा चेंज करवा दूंगी और बड़ा ही प्यारा गाइज मंदिर बनवाऊंगी मैं आप सबको दिखाऊँ। ये है माता रानी की चुनरी, देखो कितनी प्यारी। पिछली बार मैं ये लेके आई थी इतनी हैवी चुनरी और इस बार की चुनरी मैं ये लेके आई हूँ। सारा इस पे ये घुंघरुओं का काम है, ये मतलब बड़ी माता के लिए लाई हूँ और ये चुनरी इसमें है एक छोटी माता के लिए, ये छोटी माता के लिए। और ये साथ में लाई हूँ श्रृंगार का सामान सारा। तो मतलब नवरात्रों की ना बड़ी खुशी होती है। कहाँ हम वृंदावन जा रहे थे कहाँ देखो माता रानी ने रोक लिया, क्योंकि माता रानी को हर नवरात्रे में मतलब चुनरी चढ़ाती हूँ, तो इस नवरात्रे माता कहती नहीं नवरात्रों के बाद जाना है, इस बार नहीं जाना। तो कल गई सारा मंदिर में सुबह सुबह उठ के तैयार करूँगी, साफ करूँगी और माता रानी को तैयार करके अच्छी तरह श्रृंगार करके फिर ये चुनरी भी चढ़ाऊँगी और लड्डू जी उठेंगे उनको भी तैयार करूँगी। और इसी के साथ बस आज का व्लॉग भी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो जिस दिन आप ये ब्लॉग देखोगे उस दिन पहला नवरात्र होगा। सो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से गाइज आप सबको हैप्पी नवरात्रि। माता रानी इस नवरात्रों में सभी के घर भरपूर खुशियां दे। और इसी के साथ हम अब हमारा ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और जो नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी सुबह जैसे नवरात्र है तो उठते ही माता को हार चढ़ाऊंगी फूलों का, तो सब दिखाऊंगी, सब ब्लॉग बनाने वाली हूँ। तो ब्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करना और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करा SD Vlogs Official तो इंस्टा पे भी फॉलो करना, क्योंकि वहां पे भी बहुत
अच्छी अच्छी रील्स आती हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, सब्सक्राइब जरूर करना और जय माता दी।